In a bid to attract more investments into the state, a two-day investment summit titled Destination Tripura is all set to commence at the Pragya Bhavan in capital Agartala from tomorrow. More than 80 investors have confirmed participation in the mega event organized by the Tripura state government in coordination with the Indian Chamber of Commerce. As per reports, the sectors which are set to be in focus are rubber, food processing, tea, bamboo, handloom, agar, tourism, higher education and information technology. The summit aims at ushering in more investment into the state so that units set up using locally available resources go for value addition and can generate more employment opportunities in the state. Talking to the media, Tripura Industries Minister Manoj Kanti Deb and the Tripura Industry Development Corporation or TIDC Chairman Tinku Ray also spoke of the various reform measures that have been undertaken by the present government, including adoption of single window system for attracting more investments into the state, especially in the rubber, food processing and small sector industries. Chhota rajya hai aur isme shilp jyada nahi hai. तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा शिल्प हो जाए, क्योंकि यहाँ के बेरोज़गारी बहुत सारी है, को बेरोज़गारी को रोज़गार मिले और त्रिपुरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और भी अच्छा हो जाए. इसीलिए हम लोग इन्वाइट किया पूरा देश के जो इंडस्ट्रीमैन है सबको हम लोग आमंत्रित किया है. तो हम लोग चाहते हैं त्रिपुरा में आगे वाला दिन में शिल्प बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आगे बढ़ेगा. सर, त्रिपुरा में त्रिपुरा के जो रिसोर्स है इसको काम में लगाया जाए. आपको पता है त्रिपुरा में देश का सेकंड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर है. आज के दिन में करीब 90,000 मेट्रिक टन रबर हो रहा है. हमारे यहाँ पे बेम्बू है, फूड प्रोसेसिंग के अच्छा स्कोप है. तो उसको काम में लगाए और उसको रिसोर्स के काम में लगा के यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो, इसके लिए ये हम लोग किया है. एक्चुअली ये होना था 2020 में ही है, कोविड के कारण से ये डिले होते गया है. हम लोगों ने मुंबई में भी एक रोड शो किया है, दिल्ली में भी रोड शो किया है, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल्स वहाँ पर भी आए हैं, उनको इन्वाइट किया गया है जो ये 9-10 को यहाँ पर आए हैं. आपको पता होगा हमारे यहाँ पर अच्छा आगर ऑयल होता है जो देश में एक दो जगह में होता है, आसाम नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में होता है, त्रिपुरा में होता है. ये आगर का भी बहुत बड़े स्कोप है. इसको भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले आगर पॉलिसी लाया और आगर पॉलिसी होने के कारण से ये जो छोटे यूनिट पहले गलत तरीके से चलता था, जिनका कोई लाइसेंस नहीं था, हमारा सरकार उसको लाइसेंस के व्यवस्था किया है, परमिशन दिया है. ये अभी आगर ऑयल भी एक्सपोर्ट हो सकता है. तो आगर इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं देश भर में, परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ में, वो लोग भी आएंगे. तो ऐसे काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे रिसोर्स है, उसको काम में लगाया जाए. टूरिज्म का अच्छा सेक्टर है. आपको पता है माँ त्रिपुरेश्वरी है जो एकान पीठ है देश का, माँ कामाख्या है, वैष्णव देवी, ऐसे एक पीठ हमारा उदयपुर मतारवाड़ी भी है. तो इनको ये टूरिज्म सेक्टर, जंपई हिल है, कैलाश्वर अनुकुटी है, तो हेरिटेज साइट जो है इसको काम पर लगा के रोजगार की व्यवस्था हो. तो टूरिज्म सेक्टर में भी जो बिजनेस करते उनको भी बुलाया गया है. तो अलग अलग सेक्टर में जो स्कोप है त्रिपुरा को आगे बढ़ाने के लिए, ये सब सेक्टर को यहाँ पर एक साथ हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म में ले आने की कोशिश किया.